वाराणसी का सारनाथ क्षेत्र जो कि पर्यटन का मुख्य स्थल है, यहाँ देश विदेश से लोग भ्रमण करने आते हैं और प्रसिद्ध मंदिरों में जाते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। सारनाथ क्षेत्र के आसपास के रास्ते काफी जलजमाव से खराब हैं। यहाँ क्षेत्रीय लोग काफी परेशान हैं। बच्चों को स्कूल ले जाने में कठिनाई होती है, कोई मरीज हो तो उन्हें भी काफी मशक्कत से इस रास्ते से बाहर ले जाया जाता है। लोगों का कहना है कि हम सरकार व प्रशासन से गुहार लगाते हुए थक चुके हैं। उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए आ रहा है, इसके बावजूद भी सारनाथ के ठीक पीछे कॉलोनी है खजरी, हिरामनपुर, इन सब रास्तों में अभी तक सीवर व्यवस्था तक नहीं है। थोड़ा पानी बरसने के बाद जलजमाव से काफी समस्या होती है। सर ये देख रहे हैं आप, कई दिनों से मतलब ये कई सालों से ऐसी पड़ा हुआ है, रोड ना ही बन रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। ये जो कि बगल में आपके पर्यटक स्थल भी है सारनाथ में, और यहाँ पे बगल में आपके जस्ट बगल में ही पीछे गुलाबी मंदिर भी है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ का रास्ता इतना बेकार है सर, कई सालों से ऐसे पड़ा हुआ है जो कि मतलब आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। ना ही सीवर की व्यवस्था है, ना ही जल निकासी की। कितने लोग इससे ग्रसित परेशान है? पूरा समझिए, इधर पूरे कॉलोनी जो है ग्रसित है। कम से कम इस कॉलोनी में ना तो 1000 के आसपास ही लोग होंगे। छोटे बच्चे इधर से स्कूल आना जाना, यही मेन रास्ता इधर से चौराहे के लिए निकलने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो और इसमें सीवर की व्यवस्था की जाए, और क्योंकि ये आपके पर्यटक स्थल से जुड़ा हुआ है। आपके पीछे में बगल में अच्छा एक गुलाबी मंदिर भी है जो कि दूसरे देश से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ पर जो है समस्या से स्कूल के बच्चों को काफी दिक्कत, मतलब जी जी यहाँ से बच्चों को छोड़ने के लिए अगर चौराहे पे जाना होता है तो बहुत दिक्कत होता है। कभी कभी तो लोग बाइक लेके गिर भी जाते हैं रास्ते में। आना जाना एकदम दूभर हो गया, आना जाना बहुत बेकार हो गया। फिर कई बार कई जगह हम लोग ने वो नोटिस भी दिया, उनको बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इधर क्षेत्र का पार्षद या कोई प्रधान वगैरह है? हाँ पार्षद है, लेकिन उनको भी मतलब कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन वो भी नहीं मतलब सुन रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बस जल्दी से ये बन जाए जो कि सबके लिए अच्छा हो, व्यवस्था हो जाने के लिए।